Let us continue the lesson. Lesson number 5. Last class we have seen that Griffin ने कैसे कैसे बचाव के लिए भागे. लंदन शहर से उसको भागने में भारी पड़ा सर्दी का मौसम में. सर्दी से बचने के लिए वो एक भंडार में घुस गया, थिएट्रिकल कंपनी का भंडार में घुस गया. वहाँ बहुत सारे मेकअप के चीज़ थे, वो पूरा कड़क करके वहाँ से भागे. शॉपकीपर ने उसको रोक लिया, लड़ाई हो गया दोनों के बीच में. उसको गिरा के और वहाँ से जितना पैसा उसका हाथ में आ गया वो भी छीन के वो भागे. Let us continue the lesson, page number 28. Second part after the questions. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. भीड़ से बचने के लिए वो एक ट्रेन पकड़ के Iping विलेज में चला गया. Where he booked two rooms at the local inn. इन ने धर्मशाला लोकल इन में दो रूम बुक किया. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. एक स्ट्रेंजर का इस मौसम में वहां पर आना वॉज एन अनयूजुअल इवेंट, एक साधारण बात नहीं था. A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. इसके अलावा इसका जो uncommon appearance, क्या था uncommon appearance पता है ना, वो पूरा क्या किया था wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. ऐसा ऐसा वेशभूषा में ये वहाँ पहुँच गया. सब टंग वागिंग करने लगा, जीप हिलाने लगा, मतलब अलग अलग सवाल करने लगा, परेशान होने लगा, सरप्राइज होने लगा. मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसिस हॉल लैंडलॉर्ड की पत्नी उससे बातें करने का बिल्कुल कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिसाइड टू टॉक एंड टोल्ड हर माय रीजन फॉर कमिंग टू Iping इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. देखो इस गांव में मेरा आने का मतलब है मुझे एकांत जीवन चाहिए. आई वांट सॉलिट्यूड, मुझे अकेला रहना है. I don't like to talk to anybody that much. ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसी से. I want to spend my time in solitude. So, indirectly इसका कहने का मतलब है उससे ज़्यादा कुछ सवाल ना पूछें. उसने साफ साफ शब्दों में बोला I don't like to talk to anybody. I want to spend my time in solitude. My desire to come to this village was to lead a solitude life. I did not wish to be disturbed in my work. कोई भी मेरा काम में बाधा डालें और मेरा काम डिस्टर्ब करें तो मैं ये नहीं चाहता हूँ. Besides, an accident has affected my face. इसके अलावा एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे में प्रॉब्लम है, तभी तो बैंडेज बांध रखा था. So please don't disturb me. Don't ask me much questions. ऐसे ऐसे कह के लेडी को साफ साफ शब्दों में जवाब दिया. Satisfied that your guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. मिसिस हॉल को सारी बातें समझ में आ गया. वो साइंटिस्ट है, वो एक्सेंट्रिक है. एक्सेंट्रिक यानी सनकी, वो सनकी है.
और मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्बर। उसकी सारी बातें वो बैठ के समझने लगे, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो चोरी किया हुआ पैसा पर्याप्त नहीं था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। ग्रिफिन को ये बात पता पड़ गया कि उनके पास अब कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट माई एट एनी मोमेंट। वो ऐसा नाटक किया कि उसको कोई चेक आने वाला है। द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अभी उसको ये बताना होगा कि बस उसके पास रेडी कैश नहीं है। किराए के बारे में तो उन्होंने एडवांस पैसा दे दिया, लेकिन एडवांस तो दे दिया, बाकी तो देना ही। अब ये नाटक करना पड़ेगा, अभी कैश ख़त्म हो गया। फिर उसने ये नाटक किया कि अभी कोई चेक आने वाला है, तुरंत ये पैसा का कोई टेंशन मत लो। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। थोड़ी देर बाद एक घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ आर अवेकन्ड बाई नॉइसेस इन द स्टडी। एक क्लर्जी मैन मीन्स प्रीस्ट, चर्च का पादरी को कहते हैं क्लर्जी मैन। एंड हिज वाइफ वेयर अवेकन्ड, उसकी पत्नी दोनों जागे। कैसे? बाई नॉइसेस इन द स्टडी, स्टडी रूम में कुछ आवाज़ सुन के वो उठ गया, जाग गया। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। नीचे उतरने से पता पड़ गया दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। पादरी साहब का टेबल में से पैसा गिरने का, सिक्के गिरने की आवाज सुनाई दिया। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. हाथ में पोकर, इधर का मतलब रोड, डंडा, लोहे का, खस के पकड़ के वो नीचे वाले पोर्शन में आ गए और आके दरवाजा एकदम खोला। सरेंडर, चिल्लाया। सरेंडर करो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। फिर मैंने देखा तो रूम तो खाली है। मैं किसको सरेंडर करने के लिए कह रहा हूँ, सरेंडर करने के लिए कह रहा हूँ। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स and even up the chimney। पति पत्नी दोनों मिलकर सारे जगह तलाश किया, कौन हो सकता है, कहाँ छिपा हुआ है। There was not a sign of anybody। किसी को भी दिखाई नहीं दिया। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing। लेकिन पैसा तो मिस हो रहे, ड्रॉयर खुला है, इसका मतलब somebody came here। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, विचित्र मामला है भाई। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन ये कहते रहा, क्या कहते रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। कोई अंदर आए ही नहीं, दरवाजा खोला ही नहीं, पैसा गायब है, ड्रॉयर खुला है, अंदर कोई आदमी मिल ही नहीं रहे। इवन चिमनी टॉप में भी देखा, वहाँ भी नहीं मिला। चिमनी जानते हुए ना, जो किचन में जो बनाया जाता धुआं निकलने के लिए, पुराने टाइम में जो धुआं वाला किचन हुआ करता था, लकड़ी से काम करते समय जो धुआं निकलने के लिए बनाता था, उसको चिमनी कहते हैं।
हर जगह में तलाश करने के बाद कोई भी नहीं मिला, पैसा गायब है। तो उस पादरी साहब बोलने लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। ये पूरा दिन उसका दिमाग को परेशान करते रहा, ये कैसा हुआ। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्ट्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्ट्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर बता दूँ तो बस ये अलग है, लेकिन उस दिन थोड़ी देर बाद उसके कमरे का फर्नीचर हिलने की आवाज़ आ रही थी। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. पादरी साहब और उसकी पत्नी जल्दी उठा, ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि बस साइंटिस्ट का कमरा खुला है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा ये बंद रखता था, कुंडी लगा के रखता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में कोई गुस्सा है तो उसको गुस्सा आ जाता था, फिर आज खुले कैसे छोड़ रखा है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, मौका तो खो गया। दे पीपल अराउंड इन द डोर, सा नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उसके कमरे में घुस के तलाश करने लगा क्योंकि दरवाज़ा खुला था कि कहीं पीछे कहीं है या नहीं। द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। बेडशीट में हाथ लगा के देख ले, थोड़ा ठंडा है, इसका मतलब पलंग से उठते ही बस टाइम ज़्यादा हो गया, ऐसे अनुमान भी नहीं कर सकते, सर्दी का मौसम है, वैसे लेटे नहीं लेटे ठंडक दिखाई देते। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, जो बैंडेज पहन रखा था, बाकी जो कपड़े पहन रखा था, वो कमरे के अंदर इधर उधर पड़ा है फैला हुआ। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. एकदम Mrs. Hall के कान के पास कुछ breathing करने का, sniff यानी to breathe heavily, किसी का श्वास लेने का मतलब महसूस हुआ। A moment later, the hat of the बेड पोस्ट लैपटॉप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके बाद हैट उछल उछल के उसके ओर उछलते हुए आया फेस की तरफ। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, बेडरूम का चेयर हिलने लगा। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, उछलते हुए उसके ऊपर आक्रमण करने जैसे आया। लेग्स फॉरमोस्ट, पहले तो पैर। आज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक्ड द डोर आफ्टर देम, एकदम दोनों को धक्का देके कमरे से बाहर डाल के वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteric, उन्माद में आके वो गिरने वाली थी। She was convinced that the room was haunted by spirits, उसको ये कहकर विश्वास दिलाया कि कमरे में कोई भूत है। And that the stranger had somehow caused them to enter into her furniture,
दरवाजा खुला रखने से शायद उसके अंदर भूत घुस गया था, ये कहकर उसको सांत्वना दिया। माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोर्न्ड, कहने लगी कि बस वो मेरी मम्मी उस कुर्सी में बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, वो अब मेरे खिलाफ उठने लगे, इस तरह से बोल के उसको तसल्ली दिलाया।